समाजवादी पार्टी अच्छी सीटें लाएगी, हो सकता है अखिलेश यादव वो चेहरा के नेता बने, और हम लोग कोशिश करेंगे कि अखिलेश यादव ही उस फ्रंट के नेता बने। उत्तर प्रदेश में 2012 में माननीय अखिलेश यादव जी ने सरकार बनाई, निश्चित समय में 23 महीने में लखनऊ से आगरा एक्सप्रेस तैयार कर दिया। योगी जी को ऐसा झूला झुलाया उन्होंने, पता नहीं योगी जी कहाँ है। आज आपके फिरोजाबाद को नगर निगम का दर्जा देने वाले माननीय अखिलेश यादव जी है ना, आपने गमले लगवा दिए, क्या आपने उनका रखरखाव किया, आपने उनकी देखरेख की? क्या आप होर्डिंग लगाने से या लाइट्स लगाने से स्मार्ट सिटी नहीं बनती? तो दोनों तरफ आपने देखा होगा, अभी मुख्यमंत्री जब जिले में प्रवेश किए तो आपने पर्दे किस लिए लगाए? अगर सब कुछ अच्छा है तो पर्दे लगाए। 300 साढ़े 300 का सिलेंडर था तब ये रोडों पर चिल्लाते थे, 1100 का सिलेंडर है। तो आप बताइए ना, आज बिजली के बिल कितने आ रहे हैं, जनता कितनी सोचते है बिजली के बिल से। एक एंट्री भी अच्छी बनाएंगे, एक एग्जिट भी अच्छा बनाएंगे, और नया नगर निगम और नया विकास करके दिखाएंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से KIA में। दोस्तों आज फिर से हम आपके सामने लेकर आए हैं हमारा वही सीरीज, हमारा नेता कैसा हो। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे शहर में जो आने वाले महापौर के चुनाव हैं उसमें हमारा अगला महापौर कैसा होना चाहिए, क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो दोस्तों इसी सिलसिले में आज जो हमारे मेहमान हैं वो हैं श्रीमान नीरज यादव जी। नीरज जी बहुत बहुत स्वागत आपका। नीरज यादव जी प्रदेश सचिव हैं समाजवादी पार्टी से। सर हमारा नेता कैसा हो ये एपिसोड है, और सबसे पहला सवाल यही हम आपसे करेंगे कि हमारा नेता कैसा होना चाहिए। मैं पहले तो KIA चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ जी, भगवान करे आप तरक्की करें और आगे बढ़ें जी। सर्वप्रथम फिरोजाबाद जिले में दूसरी बार नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है, उससे पहले राकेश दिवाकर चेयरमैन हुआ करते थे। जिले की पहली मेयर बहन नूतन राठौर जी बनी, उनने 5 साल 60 महीने जनता के बीच अपना कार्यकाल दिखाया। अब जब हम लोग चुनाव की रणवेदी पर आ गए हैं, जब चुनाव होने वाला है तो उसमें हमें आंकना चाहिए आखिर हमारे मेयर ने कितना काम किया जी। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में पहली फिरोजाबाद ऐसा नगर निगम है जिसे पहली मेयर महिला मिली, और उनने जो कार्यकाल जो काम किया जनता के बीच में, मुझे लगता है कि वो अच्छा नहीं था। फिरोजाबाद को आज स्मार्ट सिटी कहते हैं, आप देखिए जगह जगह कूड़े के ढेर हैं। फिरोजाबाद को मोहल्ला क्लिनिक मिलना चाहिए था नगर निगम के अनुसार, अच्छे कॉलेजेस मिलने चाहिए थे बच्चों को। आप कहीं, आपको कहीं लगता है बड़े भाई? मुझे लगता है कि अभी व्यवस्थाएं ज्यादा अच्छी नहीं है। इधर भाजपा की मेयर हैं, भाजपा के ही सांसद हैं और भाजपा के ही विधायक हैं, और डबल इंजन की सरकार है जी। बिल्कुल, अभी इन्हीं सवालों पर हम आएंगे आगे। तो उन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि जनता को वो सुविधाएं नहीं मिल पाई जो 60 महीने में मिलनी चाहिए थी। चलिए, तो पहला सवाल हमारा हुआ। अब अगले सवाल की तरफ बढ़े तो हमारा ये सवाल रहेगा कि आपको क्या लगता है कि फिरोजाबाद में ऐसी कौन सी चीज़ें रहीं, ऐसी कौन सी सुविधाएं रहीं जो एक महापौर को करनी चाहिए थी और उन्होंने बिल्कुल भी उस ओर ध्यान नहीं दिया? देखिए बड़े भाई, आप सबसे पहले हम जब आगरा की तरफ से नगर में प्रवेश करते हैं जी, तो मास्टर ढाबे वाला साइड है, उस पर आप देखिए कितना पानी भरा है, कहीं से आपको स्मार्ट सिटी नहीं दिखेगा। इधर ढोलपुरा वाला मार्ग, वहाँ अक्सर पानी भरा रहता है, आपने अक्सर देखा होगा। पानी की स्थिति अभी नगर निगम में भी जब बरसात हुई थी तो ऐसा लगता था कि जलमग्न हो गया है, बाढ़ जैसी स्थिति आ गई थी। अब पता नहीं, अब दूसरी तरफ जाते हैं जहाँ हम एग्जिट करते हैं फिरोजाबाद को, यानी कि डाक बंगले PWD के गेस्ट हाउस से पहले और दबरई अक्रॉस पहले, तो दोनों तरफ आपने देखा होगा। अभी मुख्यमंत्री जब जिले में प्रवेश किए तो आपने पर्दे किस लिए लगाए? अगर सब कुछ अच्छा है तो पर्दे लगाने का क्या जरूरत था जी? ये तो आप अपनी नाकामियां छुपा रहे हैं, पर्दे लगा करके नाकामियां छुपाई। चलिए, ये आपका आरोप रहा। आपको क्या लगता है कि जनपद में शहर में जो महापौर हैं, क्या वो महिला होने की वजह से उन्होंने काम अच्छे नहीं कर पाए, मेहनत नहीं की? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपस में जो सामंजस्य नहीं बैठ पाया, कमीशनबाजी नहीं हो पाई, और नेता आपस में। कहा जाता है कि महिला एक होती है तो वो घर को अच्छे से चला पाती है, घर का बजट भी वो अच्छे से कर पाती है, घर में जो मैनेजमेंट होते हैं वो अच्छे से कर सकती है। तो देश में भी हमारी वित्त मंत्री जैसे रही, तो वित्त मंत्री भी एक महिला थी, तो उन्होंने बजट को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। तो क्या लगता है कि अगर महिला हमारी महापौर रहीं तो उन्होंने ये काम नहीं कर पाई या नाकामी रही उनकी? मैं समाजवादी पार्टी से होने के नाते पहले तो इस चीज़ का पूरी तरह पक्ष रखता हूं कि देश में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आएँ और उन्हें जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, जो आज भारतीय जनता पार्टी ही नहीं दे रही। अब आपने कहा हमारे देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, है ना, तो उनका भी कुछ दिन पहले मैंने एक बयान सुना था। उनका बयान आया कि डॉलर बढ़ रहा है, रुपया गिर नहीं रहा है। अच्छा, हाँ, मैं आपको दिखा दूंगा। जी जी, मेरे पास है, देखा मैं। हाँ, डॉलर बढ़ रहा है, रुपया नहीं। हाँ, तो मतलब जब प्रधानमंत्री जी मंच से कहते थे जब जब डॉलर बढ़ता है तो देश की रुपए की साख गिरती है। अब दो बयान एक आपस में। अब हम आते हैं अपनी नगर की तरफ, है ना, तो शहर की मेयर नूतन राठौड़ जी जब चुनाव जीती तो सब लोगों को एक खुशी की लहर दौड़ी कि महिला सीट है और एक पढ़ी लिखी महिला और हमारे नगर को चलाएंगी। पर पता नहीं आपस में ऐसा क्या रहा, 5 साल 60 महीने जो उनका कार्यकाल था, आपस में बंदर बांट होता है। MBA किया हुआ है। हाँ, मैंने सुना उन्हें MBA किया, किसी बड़े कॉलेज से MBA किया, तो उन्हें तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जब वो आती जब जिले में आई थी तो कह रहे हम ऐसे कुछ प्लान लाएंगे जो कूड़े का इकट्ठा करेंगे और उससे कुछ पावर वगैरह किया है। उन्होंने चनौरा पे खत्ता घर बनाया है जहाँ पे डेली जो कूड़ा है वो डेली के डेली निष्पादित किया जा रहा है। जो कूड़ा आज का कूड़ा है तो वो आज ही निष्पादित किया जाता है। नहीं, वो बनाया है, आप देखिए कामगार कितना है। अब आप देखिए मेडिकल कॉलेज को एक बार योगी जी आए थे तो वहां के रोडों को चारों तरफ बंद कर दिया गया। मतलब मुख्यमंत्री अगर अपने जो प्रदेश का मुख्यमंत्री है वो अपने जिले में नगर में अगर लोगों के बीच जाएगा और लोगों से नहीं मिलेगा और नहीं देखेगा तो फिर कैसे व्यवस्थाएं होंगी। आप छुपा रहे हैं, बहुत कुछ छुपा रहे हैं। आपने भी देखा होगा अपने चैनल के माध्यम से फिरोजाबाद में आरोप ये लगा। देखिए वैसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि अभी योगी जी आए थे तो योगी जी ने अभी एक बात कही कि ट्रिपल इंजन की सरकार हमें इस बार बनानी है। तो अभी यहाँ तो फिरोजाबाद में तो ट्रिपल इंजन की सरकार रही भाई, केंद्र में भी थी, राज्य में भी थी और नगर में भी थी, फिर काम क्यों नहीं हुआ? मुझे लगता है अब योगी जी और आदरणीय मोदी जी अमेरिका और यूके में भी अपनी मंडल जो आपके देश के जो ऊपर होता है ना अंतर्राष्ट्रीय, उसमें भी अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार और क्या चाहेंगे? विधायक आपका, सांसद आपका, मेयर आपका, मुख्यमंत्री आपका, 2-2 डिप्टी CM। तो एक गाड़ी को खींचने के लिए कितने इंजन की जरूरत पड़ेगी? पता नहीं, भाजपा को तो बहुत सारे इंजन चाहिए। उत्तर प्रदेश में 2012 में माननीय अखिलेश यादव जी ने सरकार बनाई, निश्चित समय में 23 महीने में लखनऊ से आगरा एक्सप्रेस तैयार करके दिया। आज हम फिरोजाबाद जिले में जिन चीजों को भोग रहे हैं, मेरे हिसाब से सबसे बड़ी समस्या फिरोजाबाद में एक टाइम नगर निगम जेड़ा झाल जो योजना है, पानी की बहुत बड़ी समस्या आती जी। उसको आपको संज्ञान होगा कि समाजवादी पार्टी ने निश्चित समय में पूरा किया। आज आप जिस हॉस्पिटल की बात करते हैं, सरकारी हॉस्पिटल की, उसमें 100 सैया वार्ड है जिसे हमने डेंगू काल में और कोरोना काल में इस्तेमाल किया। आज आपके मेडिकल कॉलेज को स्थापित करने वाले माननीय अखिलेश यादव जी हैं। आज आपके फिरोजाबाद को नगर निगम का दर्जा देने वाले माननीय अखिलेश यादव जी हैं। ऐसी काफी सारी व्यवस्थाएं जो अखिलेश यादव ने दी। आपके मक्खनपुर को नगर पंचायत बनाया, है ना। तो मुझे ये नहीं पता, अगर कई बेटियों को लैपटॉप दिए, कई बेटियों को कन्या विद्यादान दिए, बेरोजगारों को भत्ता दिया, है ना, विधवाओं को महिला पेंशन दी, साइकिल वितरण की, है ना। अभी इनका मैनिफेस्टो आया था, मैंने पढ़ा था साल भर पहले ही, 8-10 महीने तो हो ही गए। तो उसमें लिखा था गरीबों को 2 सिलेंडर फ्री देंगे त्योहार पर, बच्चियों को स्कूल जाने के लिए स्कूटी देंगे और भी बहुत लोग लुभावन वादे थे। योगी जी ने तो ये भी कहा था कि हम बिजली मुफ्त देंगे। नहीं, योगी जी ने ये कहा था हम उत्तर प्रदेश के बिजली के बिल हाफ कर देंगे और समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में था हम 300 यूनिट बिजली माफ करेंगे, मुफ्त करेंगे, ऐसा था। तो आप बताइए ना आज बिजली के बिल कितने आ रहे हैं, जनता कितनी शोषित है बिजली के बिल से। एक मैं समझता हूँ आम आदमी की जो मंथली आय होती है वो 8-10 हजार से रसोई का भी अपना देखना है, मकान का भी देखना है, बिजली का बिल भी देखना है ना भाई साहब, और बच्चों को भी पढ़ाना है। तो बहुत बड़ा कोई बजट नहीं है 8-10 हजार। अब वो किसी चौराहे पे जाता है तो नगर निगम द्वारा कैमरे और लगा दिए गए, इतना स्मार्ट शहर है, तो उसका 2000 का चप्पल, धोखे से अगर जूते नहीं पहन गया, हेलमेट नहीं लगा गया तो उसका चालान हो जाता है 2000। अब भाई साहब जी बताइए 10 हजार जो कमा रहा है वो 2000 कहाँ से देगा? कैमरे तो स्मार्ट सिटी बनाने के लिए लगा है। स्मार्ट सिटी हो तो सही, कैसे होगा? अभी आपने देखा कैसे होगा स्मार्ट सिटी? मैं आपकी बात नहीं काटूंगा। अभी आपने देखा जब बरसात हुई, यही लास्ट वाली बरसात की बात करेंगे, अब चुनाव आ गया ना, अगली बरसात तो अगली बार पता नहीं कौन किसको मेयर देखेगी जनता। तो आपने देखा नहीं पूरा शहर जलमग्न था, एक चंदवार गेट की पुलिया बताते स्मार्ट पुलिया है और आपने देखा हमारी स्थिति क्या थी, ट्रक भी डूब जाता। आप इसे स्मार्ट सिटी कहेंगे? क्या क्या कमी क्या रही वहाँ पर? कमी जिस प्रकार से पानी निकालने के साधन तैयार करने चाहिए थे, भाई साहब सीवरेज पूर्व प्लानिंग कोई नहीं करी। नहीं, ऐसा लगता है भाई साहब हम लोग जब चुनाव के हम लोग जो जनता के बीच में जाते हैं तो सबसे पहले हमें 2 महीने 4 महीने जनता का भाव समझना चाहिए। आखिर जनता चाहती क्या, समस्या क्या क्या, मूल समस्या है ना। मुझे लगता है कि बहन जी जब आई तो नोएडा से पढ़ के आई तो वो ऑलरेडी टेक्निक है ना, तो उन्हें अपनी टेक्निक का इस्तेमाल किया, जनता की मदद नहीं। हो सकता है नगर निगम में कई सारे पार्षद तो ऐसे हैं जो 4-4, 5-5 कार्यकाल, उनसे थोड़ी राय ले लेती है ना, कुछ केवल अपना वो जो चल रहा था वही चलाती। एक आरोप ये भी देखा गया, चूंकि आप विपक्षी पार्टी से हैं तो आपको अच्छा पता होगा, ये देखा गया कि दोनों लोग भाजपा से हैं, विधायक भी और मेयर भी, और दोनों में आपस में सामंजस्य नहीं रहा। ये तो आप भी जानते हैं, सारा शहर जानता है कि बंदर बांट नहीं हो पाया मैनेजमेंट, और डबल इंजन की सरकार है तो सरकार चलाने वाले तो विधायक जी हैं भाई, जिनके वोट से सरकार बनती है वो तो विधायक जी हैं या श्री चंद्रसेन जी जिनके दूसरे इंजन, बड़े इंजन की सरकार बनती है। मुझे लगता है कि मेयर साहिबा का तो रोल इतना है कि जनता का विकास कैसे किया जाए। अच्छा चलिए, फिरोजाबाद में आपको क्या लगता है कि इस बार भाजपा की बजाय समाजवादी की सरकार बनेगी, महापौर बनेगी? लगता नहीं है, निश्चित है कि इस बार समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी मजबूती से और अपना मेयर चुनने जा रही है जनता। एक जनता ने मौका दिया बीजेपी को और जनता पूरी तरह हताश है। और पिछली बार भी हम चुनाव अच्छा लड़े थे, पिछली बार हमारे साथ कुछ एक घटना हुई जिससे कि हम थोड़ा डाइवर्ट हो गए चुनाव में। हम चुनाव जीत रहे थे पिछली बार, पर डबल इंजन टकराया और बहुत सारा आदान प्रदान बांटा उठा गया, पता नहीं, वो आप सब जानते हैं, वो चुनाव में खेल किया गया। आपको क्या लगता है कि अगर समाजवादी महापौर आता है कोई, तो क्या क्या ऐसे काम हैं जो भाजपा के महापौर ने नहीं किया, आप करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि अगर समाजवादी पार्टी का महापौर फिरोजाबाद में बनता है तो मुझे लगता है कि जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोलनी चाहिए। मुझे लगता है कोरोना एक बार फिर दस्तक दे रहा है, दरवाजे दरवाजे अच्छी तरह सैनिटाइजिंग होनी चाहिए जो शुरुआत। और मुझे नहीं लगता जब तक कोरोना का कोई खास एंटीडोज नहीं बनेगा तब तक कोरोना रुकेगा। बूस्टर डोज भी आया, उससे पहले 2 डोज और आए, सारे लोग लगवा चुके हैं हम लोग, है ना। फिर भी मैंने आज पढ़ रहा था कि कहीं भी एक महिला ने 3 डोज लगवाए, उसको भी कोरोना संक्रमित है ना। तो हमें कोरोना से लड़ने की तैयारी तो अब अमेरिका तक को इंडिया ने सप्लाई किया था, अब हमें कोरोना से लड़ने की तैयारी तो कर लेनी चाहिए। मुझे लगता है कोरोना पहली जो लहर थी वो बुजुर्गों के बीच आई, दूसरी लहर नौजवान 30 से लेकर 35, और तीसरी लहर तो भाई से बड़ी खतरनाक थी जिसे डेंगू काल में परिवर्तित किया गया, है ना। और बच्चों पे बड़ा आघात हुआ इस नगर में भाई साहब, बच्चों के साथ इतना बुरा हुआ, इतना अन्याय हुआ कि माँ अपने बच्चे को हाथ में लेके घूम रही थी कि ऐसे बचाया जा सकता है। शहर में कहीं भी भाई साहब जम्बो पैक चलता है, एक RDP होती है, ब्लड से निकाला जाता है जम्बो पैक, उसकी व्यवस्थाएं नहीं थी। आपके हॉस्पिटल में केवल 1 मशीन है उसकी, जबकि कम से कम भैया जो भी व्यवस्था उसके साथ 5 मशीनें होनी चाहिए। अब प्राइवेट की रेटिंग क्या थी भाई जब 15,000 20,000, अब गरीब माँ 15-20 हज़ार कहाँ से निकलवाएगा। तो बहुत बुरी स्थिति थी और हम लोगों ने एक कोशिश की, एक पहल की, कुछ लोगों की मदद करने की कोशिश की। एक हमारा ग्रुप है जिसमें कि हम लोग ग्रुप बना के काम करते हैं, तो हम लोगों ने भी 100, 50, 70 जितनी भी मदद कर सकते थे की, पर वो मदद नहीं कर पाए जो हमें दिल में कसक है। बहुत सारे माताओं के बेटे काल के गाल में समा गए असमय। तो मुझे लगता है एक महिला से लड़ने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता हुई तो ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया गया फिरोजाबाद में, वो सारी चीजें व्यवस्था। उस प्लांट के बारे में आप एक बार अपने चैनल को लेके जाइए, प्लीज दिखाइए, मेरा निवेदन है कि वो प्लांट कितना काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है। नहीं तो अभी कोविड आएगा तो फिर से उसमें काम चलेगा। अभी आपने एक सवाल नहीं पूछा, मैं आपको संज्ञान दे देता हूँ। अभी थोड़े टाइम पहले एक नौनहार बच्चा था संकवार समाज का, MBBS प्रथम वर्ष का छात्र था, श्री शैलेंद्र जी, उसके साथ हमने प्रमुखता से वो खबर चलाई। जी जी, मैं आभारी हूँ, आप जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। शैलेंद्र कुमार जी, है ना, तो साहब शैलेंद्र कुमार था, और उसको एग्जाम में नहीं बैठने दिया प्रिंसिपल के द्वारा, और उसने परेशान होकर आत्महत्या कर ली। मैंने तो ये सुना कि उस बच्चे ने नीट की परीक्षा जो होती है जिसके लिए बहुत सारी कोचिंग्स इस्तेमाल की जाती है, वो अपने घर से निकाला, घर से पढ़ के निकाला भाई साहब। मतलब दिए के कवर किया था, उनके पिता ने बैठ, हाँ, और उनके और भैया मुझे लगता है उनके पिताजी लेबर वाला काम करते हैं। एक बाप लेबर वाला काम करके अपने बच्चे को इस मुकाम तक पहुंचा, उसके बाद उसको एकदम खबर मिले कि आपके बच्चे ने फांसी लगा ली और आपका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो उस बाप पे और उस माँ पे क्या गुजरी होगी। और मुझे लगता है कल वो MBBS बनता और MD बनता और एक समाज के नाम को ऊपर पहुंचाता, है ना भाई साहब। निश्चित तौर पर हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। भाई साहब एक निवेदन हो रहा है आपके चैनल के माध्यम से, शायद जनता तक मेरी आवाज पहुंचे। अगर प्रिंसिपल महोदया और उनके साथ जो 6 नेम्ड हैं अगर वो उसी पद पर बनी रहेंगी तो वो कहीं ना कहीं जांच को डाइवर्ट करेंगे। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से और बड़े अधिकारियों के माध्यम से निवेदन है उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए, तभी उस परिवार को सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। और मेरे छोटे भाई जो आज इस दुनिया में नहीं है, शैलेंद्र कुमार जी, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। पता नहीं उन जैसे कितने और छात्रों के साथ आपने उसके बाद एक और चीज देखी, छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला, छात्र अपने कॉलेज में ही धरने पर बैठ गए। इसका मतलब कहीं ना कहीं अंदर उत्पीड़न जारी है। जी बिल्कुल भाई साहब, मैं आपसे निवेदन करूंगा इस मुद्दे को आप प्रायोरिटी दें और उस बच्चे की आत्मा को तभी शांति मिलेगी और हो सकता है कि हम लोग भी आपको थैंक यू बोलें उस दिन। बिल्कुल निश्चित तौर पर ऐसे मामलों को प्राथमिकता से देखा जाना चाहिए और जो उच्चाधिकारी हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए कि यदि उत्पीड़न हो रहा है, और जैसा कि भाई साहब ने बताया कि अगर वो उस पद पर बने रहेंगे तो कहीं ना कहीं जांच में रुकावट आएगी और जांच बाधित भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि जांच का स्वरूप जो है वो कुछ और बदल दिया जाए। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए उच्चाधिकारियों को। हम लौट कर अपने मुद्दे पर आते हैं। फिरोजाबाद में कई लोगों से जब हमने इंटरव्यू किया, उनसे बातचीत की, तो लोगों ने कहा कि फिरोजाबाद स्मार्ट सिटी है लेकिन स्मार्ट सिटी जैसा दिखता नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि किन मायनों में ये स्मार्ट सिटी दिखने लगेगा? देखिए भाई साहब, आपने देखा होगा, नहीं कहूँगा पर कहना है, मेरा शहर है जी, मैं शहर का नागरिक हूँ और नागरिक होने के नाते मुझे जब मेयर बना तो मैं शहर को कुछ और टाइप से देखना चाहता था। आपने मेरा फिरोजाबाद आपने ऐसे करके वो स्लोगन लगवा दिए, है ना, आपने गमले लगवा दिए। क्या आपने उनका रखरखाव किया? आपने उनकी देखरेख की? क्या आप होर्डिंग लगाने से या लाइट्स लगाने से स्मार्ट सिटी नहीं बनती? स्मार्ट सिटी के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जब हम लोग शहर में एंटर करें तो कोई ऐसी खूबसूरत चीज दिखे जिससे हमें लगेगा हम फिरोजाबाद में एंटर किए, है ना। एक एंटर पर और एक एग्जिट पर बहुत बेहतरीन चीजें होनी चाहिए जिससे कि लगे कि हम सुहाग नगरी, जो महिलाओं की चूड़ी यहाँ से बन के जाती है वो उसका अभिमान है। और शायद मुझे लगता है कि पूरे भारत में हम ही चूड़ी बनाते हैं फिरोजाबाद, हम ही चूड़ी बनाते हैं, इसका हमें गर्व है जी। हाँ, कि जो महिलाएं श्रृंगार के लिए धारण करती हैं और स्वाद के लिए धारण करती हैं वो चीज हम फिरोजाबाद बनाते हैं, पर हमें ऐसा कुछ मिल नहीं पाया 5 साल में। अगर समाजवादी पार्टी अपना मेयर आप सबके आशीर्वाद से और बाकी बिहारी की कृपा से चुनती है और जनता की कृपा से, तो समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा करने जाएगी और आप जो मैंने आपसे डिमांड की है ऐसा होना चाहिए था, ऐसा ही कुछ करेगी। और एक एंट्री भी अच्छी बनाएंगे, एक एग्जिट भी अच्छा बनाएंगे और नया नगर निगम और नया विकास करके दिखाएंगे जी। नया नगर निगम और नया विकास करके दिखाएंगे। आपको क्या लगता है कि फिरोजाबाद की और क्या मूलभूत समस्याएं आपको दिखती हैं? देखिए, फिरोजाबाद व्यापारिक औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ जो मजदूर श्रमिक लोग हैं ना, कभी इनको रजिस्टर्ड नहीं किया गया। रजिस्टर्ड अगर ये करते, ये एक बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी समस्या है। ये कई बार निकल के आती है चुनाव। अगर ये रजिस्टर्ड करते ना, नगर निगम एक रजिस्टर में आप यहाँ कितने मजदूर कौन कौन सी किस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ये सब रजिस्टर्ड होता और उसके बाद उनको कई बार ये चीजें उठ के आई कि श्रमिकों को उनका जो वेतन मिलता है वो पूरा नहीं मिलता है, उसमें भी कटौती होती है और जो मिलना चाहिए उसके लिए श्रमिकों ने भी कई बार आंदोलन किए और धरने पर बैठे, तमाम चीजें। कभी नहीं मिलेगा क्योंकि श्रमिकों की सरकार कहाँ है, ये मजदूरों की सरकार कहाँ है, ये डबल इंजन की सरकार तो उद्योगपतियों की, आप भी जानते हैं, गौतम अडानी जी है। चलिए, तो और क्या क्या करेंगे? कोशिश करेंगे उस श्रमिक को न्याय दिलाने की, उस छात्र को न्याय दिलाने की, है ना, और अपने शहर को सुंदर, सुसज्जित और स्वच्छ बनाने की जी। चलिए, एक और अभी जैसा कि मैनपुरी में देखा गया, मैनपुरी में जो उपचुनाव हुए उसमें नेताजी के न रहने के बाद में डिम्पल यादव ने चुनाव लड़ा और डिम्पल यादव काफ़ी अच्छे बहुमत से जीती भी। आपको क्या लगता है कि उसका प्रभाव कहीं नगर निकाय पर पड़ेगा फिरोजाबाद में? देखिए भाई साहब, जब भी कहीं चुनाव होता है और जब हम लोग वो चुनाव जीतते हैं तो वो पूरी पार्टी के लिए नहीं, पूरे संगठन के लिए एनर्जी का दौर होता है जी। जब हम हारते हैं तो हरास होते हैं, जीतते हैं तो एनर्जी आती है। और आदरणीय शिवपाल चाचा के आने से है ना एक एनर्जी की दौर बढ़ा, कार्यकर्ताओं में मजबूती बढ़ी और भारतीय जनता पार्टी ने हर भरकम वो प्रयास किया जिससे कि हम मैनपुरी जबरदस्ती हार जाएं। उन्हें यादवों की कहीं ड्यूटी नहीं लगाई, मुसलमान लोगों की ड्यूटी नहीं लगाई और जो नेताजी के चाहने वाले थे उनको भी ड्यूटी काट के हटा दिया गया। मुझे लगता है जीत जो 2,88,553 वोटों की हुई है, ये जीत 5 लाख वोटों से ऊपर जाने वाली थी, पर प्रयास किया गया, वोटरों को नहीं निकलने दिया गया। जब प्रशासन को एक बार में ऐसा लगा 2 और 3 बजे के बाद अब हम नहीं रोक पाएंगे, यादवों के और मुसलमानों के बूथ हम नहीं रोक पाएंगे और यादव और मुसलमान के अलावा सातों जात नेताजी के नाम पर, डिम्पल यादव के नाम पर, अखिलेश जी के काम पर और माननीय शिवपाल जी के साथ, प्रोफेसर रामगोपाल जी के साथ जो बड़ी एक टीम लगी पूरे चुनाव में, हमने प्रशासन से यह चुनाव लड़ा, सरकार से यह चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव नहीं लड़ा। समाजवादी पार्टी ने प्रशासन से चुनाव लड़ने का काम किया है और तब जाकर पूरी जनता के आशीर्वाद से और अखिलेश जी के कामों से और एक सशक्त संगठन से हम लोगों ने खतौली भी जीता, हम लोगों ने मैनपुरी भी जीता और जीतने जा रहे थे ब्रह्मपुर भी, पर षड्यंत्र करके हमें चुनाव हरा दिया गया। चलिए सब्जेक्ट से इतर बात करते हैं। शिवपाल चाचा के आने के बाद पार्टी में कुछ मजबूती लग रही है? पार्टी तो पहले भी मजबूत थी और चाचा तो हमारे साथ, हम लोगों के चाचा थे, चाचा का आशीर्वाद हमारे साथ था, आपने भी सुना था चाचा ने कहा था जी। और अब जब वो अपने दल का विलय करके समाजवादी पार्टी के साथी बने एक बार द्वारा से, तो चाचा को एक निश्चित ही जब कोई व्यक्ति द्वारा से परिवार में लौट के आता है तो खुशी का माहौल होता है, उत्साह होता है ना। आज कार्यकर्ता हतोत्साहित हैं और जब चाचा कहीं जाते हैं तो चाचा को फूलों पे तोला जा रहा है, चाचा को आंखों में बैठाया जा रहा है। और चाचा ने भी बहुत बड़ी बात कही, बहुत बड़ा दिल करके, कि अखिलेश यादव मेरे नेता हैं और अब उन्हें हम छोटे नेताजी के नाम से जानते हैं। जी जी वही मैं कहना चाह रहा था। और माननीय छोटे नेताजी का नाम ले दिया गया। हाँ, हम माननीय अखिलेश यादव को भैया जी कहते थे, पर नहीं, अब हमारे चाचा जी ने कहा और माननीय नेताजी जो हम सबके श्रद्धेय नेताजी थे आज इस दुनिया में नहीं है, पता जहाँ होंगे, आज देख रहे होंगे हम लोगों को, नौनियालों को, अपनी आंखें भावुक हो जाती है जब उनकी बात करते हैं। तो आज शिवपाल चाचा ने जब मंच से कहा कि अब आज से हम अखिलेश जी को अखिलेश भैया जी कहकर नहीं पुकारेंगे, आज उन्हें छोटे नेताजी कहकर पुकारेंगे, तो कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ी और एक आवाज आई है ना। तो मुझे लगता है कि अब समाजवादी पार्टी का भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी जिन्हें पेंडुलम झूला कहती थी, योगी जी को ऐसा झूला झुलाया उन्होंने, पता नहीं योगी जी कहाँ है। और ये नगर निगम में आप देख रहे हैं ना, ये सब सरकार की देन है, चुनाव टलवाया जा रहा है, लग रहा माहौल नहीं है, माहौल नहीं है इनके। अच्छा। हाँ ये क्या, अच्छा आप नहीं जानते भाई साहब। चलिए आपको क्या लगता है कि अब जो शिवपाल जी और अखिलेश यादव दोनों पार्टियों का विलय हो गया, सपा में एक अलग मजबूती सी आई है, 2024 में क्या होने वाला है? 2024 में समाजवादी पार्टी पंपर करने वाली है और हमें लगता है हम इस सरकार का एक इंजन तोड़ देंगे। अच्छा। और देश में सरकार बनाने जा रहे हैं। मुझे लगता है जिस हिसाब से जनता, इनकी महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसान को यूरिया नहीं मिल रही, छात्र को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है ना, जिन मुद्दों पर ये सरकार में आए, 300 साढ़े 300 का सिलेंडर था तब ये रोडों पर चिल्लाते थे, आज 1100 का सिलेंडर है, आज रिफाइंड की थैली, आज बाइक की रेट, आज यूरिया की रेट, आप देखिए ना कितने मुद्दे हैं। किसानों के खेतों में देखिए अब क्या स्थिति है, आज किसान जहाँ उसे खेती करनी चाहिए वो यूरिया की लाइन लगा रहा है। तो मुझे लगता है अब जनता परेशान हो चुकी है और सरकार बदलना चाहती है। चलिए 2024 में अगर समाजवादी सरकार बनती है, अगर बनती है तो, वैसे तो अखिलेश यादव ने खुद कहा है कि हम एक मजबूत विपक्ष के तौर पर खड़े होंगे जरूर, तो आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो देश में बदलेंगे आपकी सरकार बदलेगी? देखिए सरकार जब भी बनेगी और एक फ्रंट बनेगा, फ्रंट का जो भी नेता होगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। समाजवादी पार्टी अच्छी सीटें लाएगी, हो सकता है अखिलेश यादव वो फ्रंट के नेता बने और हम लोग कोशिश करेंगे कि अखिलेश यादव ही उस फ्रंट के नेता बने और हर दल चाहता है कि मेरा नेता ही उस फ्रंट का नेता बने। तो मुझे लगता है अखिलेश यादव टेक्निक काम करते हैं और कुछ ऐसी टेक्निक व्यवस्थाओं की जरूरत है जिससे कि महंगाई कम हो, बेरोजगारी खत्म हो, आज आपने देखा होगा कि बाप और बेटे दोनों बेरोजगार हैं एक साथ, है ना। हम बेरोजगारी खत्म करने की कोशिश करेंगे, छात्राओं को जो लैपटॉप दे रहे थे वो पूरी ताकत से देना शुरू करेंगे, छात्र छात्राओं को टैबलेट्स भी, और जो उनकी पढ़ाई में भरकम जरूरत है वो, क्योंकि छात्र वो रीढ़ है कि मुझे लगता है कि जब छात्र मजबूत होगा और ऊपर जाएगा तभी इस देश में कुछ तरक्की। अखिलेश यादव ने कहा कि हमने लैपटॉप बांटे थे और भाजपा सरकार ने उसका फायदा उठा लिया, हर जगह अपना प्रचार दिख रहा था। देखिए, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता रोडों पर लगता है, जमीन पर लगता है और काम करता है, और ये भारतीय जनता पार्टी है, ये लोगों के दिमाग से खेलती है, ये लोगों को बरगलाते हैं। आप जब भी भारतीय जनता पार्टी के किसी अच्छे प्रवक्ता से बात करेंगे तो वो आपसे जैसे उन्हें लगता है कि हम बात नहीं कर पा रहे हैं तो जय श्री राम के नारे लगाएंगे। जय श्री राम तो मेरे भी हैं सबके, क्या उनके पर्सनल हैं? अच्छा, बचने की कोशिश करते हैं शमशान, कब्रिस्तान, मंदिर, मस्जिद। आप विकास के मुद्दे पर बात क्यों नहीं करते? आप बेरोजगारी के मुद्दे पर बात क्यों नहीं करते? आप महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर बात क्यों नहीं करते? कभी नहीं करेंगे। आपने भी देखा होगा बड़े भाई, वो कभी इन मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, बचने की कोशिश करते हैं, और वो जनता को पागल बना रहे हैं, बरगला रहे हैं। और इस देश की जनता बड़ी होशियार है और बड़ी होशियारी से एम्पायर की तरह देख रही है, और जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन इशारा करेगी आउट। चलिए, इंटरव्यू के अंतिम दौर की तरफ चलते हैं। अंतिम, अगर आप जनता से कोई संदेश आप देना चाहें नगर निकाय चुनाव को लेकर के तो क्या देना चाहेंगे? मेरी जनता से, जनता जनार्दन से निवेदन है कि अपने नगर को सुरक्षित, सुविधाओं से लैस और एक अच्छा नगर बनाएं, और उसके लिए एक अच्छी नगर महापौर का चुनाव करें। और समाजवादी पार्टी भी अपने प्रत्याशी को लेकर जल्द ही आपके बीच होगी, चुनाव की घोषणा होगी, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को अपना बहुमत दें और जिताएं, और हम कोशिश करेंगे कि आपको कोई भी दिक्कत ना आने पाए। इसके लिए समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके लिए करबद्ध होगा। जी, तो आज हमारी एक विशेष चर्चा रही नीरज यादव जी के साथ। नीरज यादव ने जिस तरीके से बताया कि नगर निगम है गत 5 वर्षों में, 60 महीने में क्या कार्यकाल रहा, और किस तरीके से उनके जो आरोप प्रत्यारोप भी उन्होंने कुछ किए। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर करके ये जानकारी जो नीरज जी ने दी है इसे दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ। हमारे साथ जुड़ने के लिए और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद भैया। मैं कोशिश करूंगा कि जो मैंने आपसे वादे किए हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से आपसे बात की है उसे जनता के बीच में पहुंचाऊं, और आपके बाद एक बार दोहराऊं और आपको दिखाऊं कि समाजवादी पार्टी ने वो सब किया जो मैंने आपसे कहा था। धन्यवाद।